दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया अपडेट जो नई रिलीज है 2.0 जो कि बहुत ही जल्दी कंपनी अब इसको लॉन्च करने जा रही है। बहुत ही जल्दी आपको इसका सेटअप देखने को मिलेगा। अभी आप जो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो आपके पास जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है जो इसका जो रिलीज है वो 1.1.4 आपको इसका सेटअप मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पर अब आपको टेली प्राइम रिलीज 2.0 देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भी जो ये लेटेस्ट रिलीज 2.0 आएगी तो उसमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने क्या कुछ नए फीचर्स है जो अपडेट किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये सारी बातें हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और इसका जो बीटा वर्जन है 2.0 उसी के साथ हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सारी प्रैक्टिकली रहने वाली है दोस्तों, वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो भी प्रैक्टिकल वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर एक पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रॉब्लम है वो जो मई मंथ की जो हमारी GST R1 रिटर्न अपलोड हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर देखने को मिल रही थी, तो वो था हमारा HSN कोड समरी में टैक्स रेट को लेके। तो वो अब आपको जो 2.0 है अपडेट इसकी जो रिलीज आएगी उसमें आपकी जो प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाएगी। वो अब आपको किस तरीके से दिखेगा इसके लिए हम चलते हैं हमारी GST रिपोर्ट्स पर, स्टेचरी रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे और GST रिपोर्ट को देखेंगे और GST R1 को ओपन करेंगे। हम इसका एक बार पीरियड ले लेते हैं जून मंथ का। अब उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर जो इसकी सेटिंग थी B2B वो अभी तक कंटिन्यू चली रही है। मेन जो इम्पोर्टेंट था, जो जरूरी भी था, वो था HSN SSC समरी को लेके। अब इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर जो टैक्स रेट का जो कॉलम है वो अब नया आपको देखने को मिलेगी जब टेली प्राइम का 2.0 अपडेट वर्जन आ जाएगा उसमें। अभी तक आपको 1.14 के अंदर आपको ये टैक्स रेट का जो कॉलम है वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अपडेट में आएगा। अभी ये जो मैंने वर्जन जो डाउनलोड किया ये आपको बीटा वर्जन में मैं शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इस एरर के साथ मई मंथ की जो GST R1 रिटर्न थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो फेस करने को पड़ रही थी। सारा का सारा जो डाटा था वो मैनुअली हमें डालना पड़ रहा था, तो उसमें अभी तक ज़्यादातर जो मतलब डाटा है वो गलत भी जा सकते हैं। तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 18% का जो ये कॉलम है ये कौन सा आया, ये जो हमारी स्टॉक आइटम है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो आइटम ए। अब आइटम ये है यानी कि इस आइटम ए के ऊपर आपका GST 18% होता है। तो अब आपके पास GST 18%, 12%, 5% या फिर 28% एग्जम्प्ट भी हो सकते हैं, तो सभी को आपको आइटम के साथ साथ अब टैक्स रेट के भाई कॉलम साथ देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी था ये जरूरी था GST समरी को लेके, तो ये अब 2.0 में अपडेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं HSN कोड की। अब HSN कोड यानी कि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और वहाँ पर जब हम स्टॉक मतलब इसके अंदर HSN कोड डालते हैं तो हमें पता नहीं होता भी HSN कोड वो सही है या नहीं है, तो उसका भी हमें अब पता लगना शुरू हो जाएगा। कैसे लगेगा, अब मान लीजिए हम एक स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं, हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर आइटम फॉर एग्जांपल मैंने आइटम बी सिलेक्ट टाइप किया, मैंने यूनिट इसकी पीस मैंने कर दी और उसके बाद में जैसे हम GST एप्लीकेबल पर आएंगे और सेट GST डिटेल को हम यस करेंगे और इसके बाद इस आइटम का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, मैंने आइटम बी किया और उसके बाद में मान लीजिए मैंने HSN कोड इसका डालना है। अब मैंने एक बार 1 2 3 4 5 मैंने HSN कोड डाल दिया। अब उसके बाद में मेरे को ये कन्फर्म करना है भी ये जो HSN कोड मैंने यहाँ पर फिलअप किया है वो HSN कोड सही है या इनवैलिड है। अब इसके लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट HSN ऐसे इन्फो, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपको डायरेक्टली ईवे बिल के पोर्टल पर यहाँ पर ले जाएगा और वहाँ से आपका इस HSN कोड को सर्च करके अगर ये वैलिड है तो वैलिड दिखाएगा, इनवैलिड है तो आपको ये इनवैलिड शो करेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एरर आ रही है। अब एरर आने का कारण क्या है, ये डायरेक्टली पोर्टल पर लेके क्यों नहीं गया, क्योंकि इससे पहले आपको ईवे बिल पे जाके अपना GSP ID क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद में अपना API में यूजर ID और पासवर्ड वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पे मैं डायरेक्टली हम टेली प्राइम से ईवी बिल कैसे जनरेट करेंगे, वहाँ पर GSP और API हम यूजर ID किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी बातें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, वो भी डायरेक्टली टेली प्राइम में से सेल इनवॉइस बनाते वक्त डायरेक्टली कैसे हमें
टैली के थ्रू ही हमारा जो ई इनवॉइस ई वे बिल है जो क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने वहां पर इसका जो एपीआई यूजर आईडी वो क्रिएट नहीं की हुई है। अगर आपने यूजर आईडी क्रिएट की हुई है तो डायरेक्ट आपको वहां पर पोर्टल पर ले जाएगा और वहां पर इस एचएसएन कोड को आइटम के साथ मैच करके सर्च करके बताएगा भी आपका जो एचएसएन कोड है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं जो 3 नंबर पॉइंट है वो आएगा डायरेक्टली सेल इनवॉइस क्रिएट करते हुए ई वे बिल हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से कैसे जनरेट करेंगे। तो वो देखने के लिए जैसे हम मान लीजिए हमने सेल इनवॉइस की हम एक एंट्री करते हैं, वाउचर पे हम जाते हैं और सेल वाउचर की एंट्री हम कर रहे हैं। और उसके बाद में जैसे हमने कि एक पार्टी को यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसके बाद आइटम एक हमने बना ली और एक आइटम ले ली और इसकी वैल्यू हमने एक बार 50,000 रुपये की डाल दी। 18% सेल है, उसके बाद CGST, SGST टैक्स। अब उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपसे हमेशा पूछता है, पहले भी पूछ रहा था, प्रोवाइड GST ई वी बिल डिटेल्स। तो इसको हम यस करेंगे। तो जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर जो देनी होती है डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, ये अगर आपने कंपनी का जब लेजर आपने क्रिएट किया वहाँ पर सारी बातें आपने डाल रखी है तो वहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी यहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं आया है, ई वी बिल नंबर अभी तक नहीं है क्योंकि अभी तक ई वी बिल जो जनरेट हुआ ही नहीं है। तो डिस्पैच फ्रॉम एक बार हम यहाँ पर मैनुअली आपको मैं दिखा देता हूँ और शिफ्ट टू में हम SGNR कर देते हैं। और उसके बाद में जो किलोमीटर की डिस्टेंसिंग है वो भी आपकी ऑटोमेटिक आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी एक बार वो आपको मैं मैनुअली डाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का नेम अगर न्यू है तो हम न्यू यहाँ पर डाल देते हैं, भी श्री ट्रांसपोर्ट कंपनी कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद जो मोड है वो बाई एयर है, रेल है, एयर है या शिप है, तो मैं भाई रोड यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। व्हीकल का नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में व्हीकल आप सेलेक्ट करोगे। अब उसके बाद में हम इस इनवॉइस को करेंगे सेव। तो जैसे हम सेव करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा भी डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवी बिल जनरेट। भी आपको अगर इस इनवॉइस का ईवी बिल ऑन द स्पॉट अभी जनरेट करना है तो आपको यस करना है। अगर आप सोचो भी एक बार आप इनवॉइस क्रिएट करोगे क्योंकि काफ़ी सारी इनवॉइसिंग आपकी मतलब क्रिएट करने वाली पेंडिंग पड़ी है, तो आप बाद में बल्क में भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ईवी बिल सभी का एक साथ में, लेकिन आपको एक एक इनवॉइस के साथ क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल पे ले जाएगा ईवी बिल के पोर्टल पर। तो अब ईवी बिल का जो पोर्टल हमारे पास है ये इस तरीके का आएगा। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एचएसएन कोड समरी देखने के लिए वो उसके लिए भी आपको सेम ये प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, ये आपकी इसकी एक वेबसाइट पर आएगा, ईवी बिल लिख के है जो eVBill.GST.GOV.IN। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अगर फर्स्ट टाइम करें तो ईवी बिल पर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का GST नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड दे के और आपको गो पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में आप टेली को कनेक्ट करते हुए अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो उसके बाद में क्या होगा, ये क्रिएट करने के बाद टेली आपसे कंपनी है जो ईवी बिल के साथ ऑटोमेटिक है जो आपका वहाँ से कनेक्टिंग यानी कि इसकी लिंकिंग हो जाएगी। लेकिन अभी आपको देख रहे हो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर ईवी बिल इज नॉट इनवैलिड, यानी कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए थी, जो एपीए यूजर आईडी हमें क्रिएट करनी है वो अभी तक हुई नहीं है, तो इसलिए ईवी बिल के पोर्टल पर लेके नहीं जा रहा है। तो आपको जैसे ही आपका ईवी बिल पोर्टल पे एपीए यूजर आईडी आपने क्रिएट कर दी होगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने यूपीआई की जो एपीआई की आपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपने दिए हैं तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करने पड़ेंगे। और आपको करना कुछ भी नहीं है, मैनुअल रूप से कुछ भी नहीं डालना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने सेल इनवॉइस बनाते वक्त पार्टी के जो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर में उसके एड्रेस में दी हुई है और जो सेल इनवॉइस की एंट्री करी है उससे सब कुछ ऑटोमेटिक ही पिकअप कर लेगा। और उसके बाद में आपको जो सेल इनवॉइस का जब हम प्रिंट प्रीव देखते हैं, जैसा कि हमने इसका देखा और प्रिंट प्रीव हम देखेंगे इसका, तो प्रीव में क्या होगा, आपका जो ईवी बिल है जूम हम करते हैं तो यहां पर इस ऑप्शन में ईवी बिल है जो ऑटोमेटिक ही छपके आ जाएगा और उसके बाद में जो ईवी बिल बनेगा वो भी क्यूआर कोड के साथ है जो आपको प्रिंट करना पड़ेगा सेकंड पेज पे। तो आपको मैनुअल यहां से कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, सब कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन यहां पर डाली है क्वांटिटी के साथ, रेट के साथ, किलोमीटर के साथ, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक वहां पर पिकअप कर लेगा। तो ये फैसिलिटी आपको 2.0 की बीटा में देखने को मिलेगी।
और उसके बाद में आप अपनी रिपोर्ट्स को है परमानेंटली अगर सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब रिपोर्ट के लिए कैसे, अब मान लीजिए जैसे हम बैलेंस शीट पे जाते हैं, अब बैलेंस शीट पे हम इसको सभी को एक बार यहाँ से हटा देते हैं, सभी एक बार मैंने इसको जीरो कर दिया। अब आप देख रहे हो इसको मैंने एक बार सेव कर दिया और इसको भी करते हुए मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देख रहे हो मैंने बैलेंस शीट ओपन करी तो आपको मेरी बैलेंस शीट आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। मैंने एल्ट एफ वन के साथ इसको डिटेल के साथ अगर मैं देखना चाहूँ तो डिटेल के साथ मैं देख सकता हूँ। अब मैं चाहूँ इसके साथ में परसेंटेज भी शो, तो हम F12 करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, तो उसमें आप यहाँ पर देखते हो ऑप्शन जो आते हैं हमारे पास शो परसेंटेज एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस। तो जैसे मान ली दोनों ऑप्शन को मैंने यस कर दिया और कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर दिया, तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप परसेंटेज की जो वैल्यू यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन अब मैं वापस जैसे ही इसको मैं बैक जाऊंगा और वापस बैलेंस शीट करूंगा तो आप देख रहे हो वो सारी जो डिटेल्स अभी मैंने देखना चाहता था वैसे अब वो जीरो होगी। अब उसके देखने के लिए सारा सेम प्रोसेस मेरे को वापस है जो सेव करना पड़ेगा, वापस F12 मेरे को प्रेस करना है, शो परसेंटेज को यस करना है, एक्सक्लूज अकाउंटेंट जीरो बैलेंस को हम यस करेंगे और एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो ये मतलब बारी बारी जो सेटिंग है मुझे ओपन करनी पड़ेगी जैसे जैसे मैं बैलेंस शीट देखूं। तो मैं चाहता हूं ये जो सेटिंग है ये मेरी परमानेंटली यहाँ पर सेव रहे, तो इसके लिए टेली की जो बीटा वर्जन है इसमें जो लेटेस्ट वर्जन अभी आएगा 2.0 का, उसमें एक ऑप्शन दे दिया गया सेव व्यू का। आप इसको इसी तरीके से परमानेंटली रखना चाहते हो तो इस मोड को आप यहीं पर सेव कर सकते हो। तो मैं सेव व्यू पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद में यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हो, ये जैसे बाई डिफॉल्ट बैलेंस शीट माई व्यू नाम ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आपको उसके बाद में सेट दिस डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट इसको यस रखना है, शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को यस रखना है और उसके बाद में ऑप्शन आपको और मिलेंगे ऑल कंपनीज ऑन दिस कंप्यूटर या दिस कंपनी। यानी कि अगर मान लीजिए आप इस सिस्टम के अंदर 10 या 15 मतलब टेली प्राइम के अलग अलग कंपनी यूज़ करते हो तो आप ये जो सेम फीचर्स है परसेंटेज वाला और मतलब डिटेल के साथ देखने वाला ये सभी कंपनी पे अप्लाई करना चाहते हो क्या जो आपके कंप्यूटर में है, या दिस कंपनी यानी कि ओनली इसी कंपनी पे अप्लाई करना है? तो मेरे को इसी कंपनी पे अप्लाई करना है तो मैं दिस कंपनी को सिलेक्ट करते हुए इसको सेव कर दूंगा। ओके, अब उसके बाद में मैं वापस आता हूँ बैक आ गया। अब वापस मैं बैलेंस शीट पे जाते हैं, तो जैसे आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो आप देख रहे हो जो अभी तक आपने जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सेव करी थी वो सारी की सारी आपकी सेव हो गई है। अब आपको वापस है जो एल्ट एफ वन डिटेल के साथ या फिर F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाने के बाद सबको यस या नो करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो जो डिटेल्स आपको चाहिए आप उनको एक टाइम करके और उसको सेव करके छोड़ दीजिए, तो आपकी इन फ्यूचर वो सेटिंग जब तक आप चेंज कर नहीं देते तब तक आपकी ये जो सेटिंग है वो परमानेंटली बनी रहेगी। तो दोस्तों उसके बाद एक फैसिलिटी और भी आई है TRIB की, जो कि आप अपना जो कंप्यूटर में टेली सॉफ्टवेयर में आपका जो डाटा है उसे आप अपने मोबाइल पे भी व्यू कर सकते हो, आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बस इतना भी वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स जो चेक कर सकते हो, आपकी सेंडी क्रेडिटर की डिटेल्स हैं वो आती है, सेंडी डेप्टर की डिटेल है, चाहे आपकी वो परचेज डाटा है, चाहे वो सेल डाटा है, GST रिपोर्ट सब कुछ यानी कि व्यू आप कर सकते हो A to Z जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आपका जो टेली का डाटा उसको लिंक करना पड़ेगा और उसको आपको टेली का जो .net यूजर आईडी पासवर्ड होता है उसके साथ आपको अपने मोबाइल में ओपन करना पड़ेगा। ये कैसे होगा इस पर भी आपको मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये सारी बातें प्रैक्टिकली समझ में आ जाए, क्योंकि अब ये सारी बातें अगर हम शॉर्टकट यहीं बनाएंगे तो आधी दूरी आपके समझ में आ जाएगी तो इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम जो भी पॉइंट बनाएंगे उसके ऊपर स्पेशल पर्टिकुलर उसी पॉइंट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हमने जो बात करी है वो आगे जो मतलब जो हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का अपडेट वर्जन आएगा उसमें क्या क्या आपको नया देखने को मिलेगा, ये तो था हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड। अब उसके बाद में हम पार्टी का जो GST नंबर है उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने एक लेज़र हमने क्रिएट किया है, कोई भी हम लेज़र क्रिएट करते हैं, सेंट्री क्रेडिट्स मैंने डाल दिया और उसके बाद में इसको जैसे यहाँ पे हमने GST नंबर डाला तो उसके बाद में सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा गेट GST UN इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपने
सप्लायर्स का लेजर बनाया है या जो कस्टमर का लेजर बनाया है उसका जीएसटी नंबर को सर्च करना है भी, जो जीएसटी नंबर है वो वैलिड है या नहीं है, वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो चुका है, ब्लॉक है या अनब्लॉक है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बस बशर्ते उसके लिए आपको सबसे पहले एपीआई यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके यूपी एपीआई यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं इस पर भी हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो इसी मैटर पर रहेगा, और उस आईडी के थ्रू डायरेक्टली ईवी बिल भी हम जनरेट करके देखेंगे, एचएसएन कोड है वो भी हम सर्च करके देखेंगे, और जीएसटी नंबर को भी सर्च करके देखेंगे भी वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।